भारतीय जनता पार्टी की हिंदुओं से क्या दुश्मनी है, क्यों वो मंदिर तोड़ा गया? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपने किस दुश्मनी का बदला नवसारी के सोसाइटी के और गुजरात के उन लाखों करोड़ों हिंदुओं से लिया? बिल्डर्स के लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उनके लिए फिर मंदिर में कोई आस्था नहीं बचती। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल मैंने देश की संसद में गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, जिसके कारण से गुजरात के एक एक आदमी के मन में गुस्सा है, नाराजगी है, और जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के 1100 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। और ये मामला क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। गुजरात के अंदर नवसारी एक जगह है और उस नवसारी जगह में जो निगम है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की 27 साल से सरकार है। ये सीआर पाटिल जी जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र का मामला है। और उस नवसारी में सर्वोदय सोसाइटी नाम की एक जगह है जहां पर राधा कृष्ण जी का मंदिर बना था और वो मंदिर बाकायदा पंजीकृत रजिस्ट्री की हुई एक जमीन के ऊपर बना था, सोसाइटी के अंदर बना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बिल्डर्स के लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उनके लिए फिर मंदिर में कोई आस्था नहीं बचती। जब बिल्डर को फायदा पहुंचाने की बात आए तो भगवान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखते, भगवान के प्रति आस्था भी मायने नहीं रखती। लाखों लोगों की जो आस्था उस राधा कृष्ण मंदिर से जुड़ी हुई थी वो भी मायने नहीं रखती।